नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U News। मोदीनगर के सिकरी रोड स्थित हाइडल कॉलोनी में पिछले 5 वर्षों से महामाया योगपीठ के योगाचार्य पवन शर्मा जी द्वारा निशुल्क योग क्लास दी जाती है, जिसमें काफी संख्या में आसपास के रहने वाले क्षेत्रवासी योगा करने के लिए आते हैं। ये महामाया योगपीठ एक परिवार की तरह सभी एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। इस योगपीठ से जुड़े हुए नवनियुक्त सभासद मोहन सिंह उर्फ मोनू धामा व उनके भाई जोनू धामा का जन्मदिन महामाया योगपीठ द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ केक काट कर मनाया गया। इस अवसर पर वहां उपस्थित सभी महामाया योगपीठ के कार्यकर्ताओं व दैनिक समाचार पत्र मीडिया फॉर यू के संपादक नीरज कुमार गुप्ता ने नवनियुक्त सभासद मोनू धामा व जोनू धामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मोनू धामा ने कहा कि आप सभी ने जिस विश्वास के साथ मुझे भारी मतों से विजयी बनाया, उन सभी उम्मीदों को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। क्षेत्र में कहीं कोई समस्या परेशानी हो तो आप मुझे तुरंत कॉल कर संपर्क कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। पवन जी, आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं पवन शर्मा, योग शिक्षक पतंजलि योगपीठ से। आज हमारी महामाया योगपीठ में हमारे नवनिर्वाचित सभासद मिस्टर मोहन सिंह उर्फ मोनू धामा जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। इसमें हमारी सभी पूरी योगा टीम का समर्पण रहा और पूरे मोनू भाई के जो साथी हैं, पूरे वार्ड के जो मेंबरगण हैं, सभी का इसमें योगदान रहा। मोनू जी, आज आपका जन्मदिन मनाया गया, सबसे पहले तो मीडिया फॉर यू की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने प्यार हमें अपनी मीडिया के उससे दिया। सारे जो आपके पत्रकार बंधु हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो ये जीत क्षेत्रवासियों ने मुझे दी, इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे दिया, मैं इसका तहे दिल से आभार करता हूँ। और मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। और आज मेरा जन्मदिन जो है, मेरी माताएं, मेरे पिता तुल्य समान और मेरे भाई, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे गुरुजी मार्शल आर्ट के, जो इन्होंने बच्चों को प्रेरित करा और अच्छे अच्छे मेडल लेके आए हमारे गुरुजी, इन्होंने बड़ी धूमधाम से हमारा यहाँ आज बर्थडे मनाया। हमारी भाभी मनीषा जी, इन्होंने भी मतलब इतना उत्साह बच्चों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर, माता बहनों के अंदर, मेरे लिए जो प्यार मैं चाहता था वो मुझे प्यार मिला। और जिस मेरी माता बहनों ने, जिसने भी मुझे वोट दी, जो मेरे मुझे वोट करके आया, उसकी आंखों में आंसू जरूर, इतने प्यार, इतना स्नेह जो मुझे मिला, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये दोबारा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और सारे क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की हो, वो मुझे तुरंत फोन करें, मैं उनकी सब समस्याओं का समाधान करूंगा।